एक बार पैमाइश करके उन्हें मालूम पड़ेगी कि हाँ ये पेड़ चकमार्ग में है। रिपोर्ट ना दी, चुपचाप आके बैठ गई अपनी टीम के साथ। दूसरी पार्टी जो जाने का अवैध कब्जा कर रखा है वो आएगी इनके पास। अब पतवना काम है, आप सब जानते हो, वो चकमार्ग आज तक खाली आया, वो प्रक्रिया रोक दी गई। जो नीलामी प्रक्रिया, नीलामी तक प्रक्रिया पहुंच चुकी, यहाँ लोग नीलामी को आएंगे, एंड टाइम पर रोक दी उन्होंने। अब वो अभी तक खाली ना है वो। अब कह रहे हैं कि ये दोबारा जब हमने एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब, भारतीय किसान यूनियन, किताब सिंह थोड़ा सा लाइव चलाओ, यहाँ की अधिकारी के बारे में तो चले लोगों को। लड़ो भैया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जाके उन्होंने क्या चक्कर चलाओ पता ना चलो, वो आज तक नीलामी रुकी भैया। दोबारा फिर हमने एसडीएम साहब को जब एप्लीकेशन दी, मैंने कहा साहब ये नीलामी प्रक्रिया कैसे रोक दी गई, आपके इस तरह से दो बार तीन बार टीम जाके जांच करके आई, सारी रिपोर्टें हैं और ये स्पष्ट है चुका है कि हाँ पेड़ जो है चकमार्ग में खड़े और काफ़ी लोग पीड़ते हैं, बीसों किसान पीड़ते हैं रास्ता से ना निकल पा रहे। उन्होंने दोबारा फिर जब नायब साहब से कही तो वो फिर गए। अब उन्होंने क्या किया, चकमार्ग को छोड़ के जो शिकायतकर्ता हैं लोग, जो पीड़ित लोग हैं, उनके खेतन में जरीब डलवावा शुरू कर दी। पिता किसी से कही कि तुम्हारा